शेखुपुरा दे विच गुलस्तान ते नगीना थिएटर ते चलन वाले ड्रामे जिहड़े ने उन्हां नूं बंद कर दिता गया। गुलस्तान की टीम जी काम कर रही थी सभा चौधरी बिलो नरगस आरजू महक जट समैरा चौधरी शामिल सन और आउटडोर के जोड़े लड़के आउटडोर काम करते हैं। नगीना थिएटर की जी टीम है उसे अंबर शहजादी से सरफ रिश्त शाह खान साहब जोड़े ने शाहिद साहब शामिल सन और मसूमा मलक सी और शाजिया बलोच और माही भट्ट शबीर गंगवा और अली हैदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं बाबर बेगड़, तुम फिर अपना यूट्यूब चैनल ए बी एच जी टीवी जी। नाजरीन जड़े तुसी मेरे स्क्रीन ते प्रोमोश नारे देख रहे हो कि गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, ये नारे जड़े ने किसी पार्टी की तरफों नहीं लग रहे या किसी तंजीम की तरफों नहीं लग रहे, ये नाजरीन पाकिस्तान स्टेज के आर्टिस्ट ने और ये आर्टिस्ट ने जो शेखुपुरे ड्रामा कर रहे सन और कल जी गुजरन वाली रात है जिन्हों असी 13 अक्तूबर की शब है 13 अक्तूबर बरोस जुमा कल चुके ड्रामे शुरू होए सन और शेखुपुरा दे विच गुलस्तान ते नगीना थिएटर दे चलन वाले ड्रामे जिहड़े ने उन्हां नूं बंद कर दिता गया और बंद करन दी जिहड़ी वजूहात है पुलिस आई, पुलिस ने ड्रामे जिहड़े ने बंद करा दिते, लेकिन इहदे च मुख्तलिफ राय ने, लेकिन ये फिलहाल कोई कन्फर्म असीं इहदे बारे च नहीं कह सकते कि ड्रामा क्यों बंद करवाया। अलबत्ता गुलस्तान की टीम जी काम कर रही थी सभा चौधरी बिलो नरगस आरजू महक जट समैरा चौधरी शामिल सन और आउटडोर के जोड़े लड़के आउटडोर काम करते हैं, इफ्तार चन, रफाकत नाज, जाहद हाशमी, फाना रंगीला, आबद परवाना, इस तरह की जी टीम है, यह टीम से जी गुलस्तान थिएटर की नगीना थिएटर की। नगीना थिएटर की जी टीम है वह जरा इस तो अच्छी सी। नगीना थिएटर की जी टीम है वह अंबर शहजादी से सरफरिस्त शाह खान साहब जोड़े ने शाहिद साहब शामिल सन और मसूमा मलक सी और शाजिया बलोच और माही भट्ट शबीर गंगवा और अली हैदर और आउटडोर के मजीद कुछ स्पोर्टिंग रोल जोड़े करने वाले लड़के ने वह इस ड्रामे के शामिल सन, लेकिन ड्रामा जड़ा उन्हों कल बंद करा दिता गया। जुमे वाले दिन ही जुमे वाला दिन जड़ा हुंदा है वो ड्रामे की रीढ़ की हड्डी हुंदा है, खास तौर पर फाइनेंसिंग के हवाले नाल, टिकट के हवाले नाल, क्राउड के हवाले नाल, हर तरह जड़ा जुमा जड़ा वो ही ड्रामे नूं अगे लैके चलदा। जुमे नूं बहुत सारे मामलात जड़े ने क्लीयर होने हुंदे ने, लेकिन बरोस जुमा जड़ा वो जिस तरह के तुहानूं पता कि पंजाब गौरमेंट जिहड़ी है कोशिश कर रही है कि नवीं एस ओ पीज़ जिहड़ियां ने मुतारफ करवाइया जाण, लेकिन हाले तक नवीं एस ओ पीज़ जिहड़ियां ने सामने नहीं आ सकियां, वो की होणगियां इह ते वेला और वक्त ही दसेगा। लेकिन हकीकत इह वी कि कल जिहड़े दो ड्रामे ने उह बंद करवा दिते गए, ड्रामे बंद करवाउण दी वजह तों आर्टिस्ट जिहड़े ने उह रोड ते आ गए और रोड ते आ के उन्हां ने टायरां नूं अग ला दित्ती, टायरां नूं अग ला के उह रोड जिहड़ा उह ब्लॉक कर दित्ता। उदे विच शाहद खान साहब का कहना सी कि आर्टिस्टां दा मुआशी कतल जड़ा वो बंद किया जाए, मुख्तलिफ जड़े चैनल सन उत्ते मुकामी जिस तरह भी लोग पहुँचे, जड़े मीडिया दे लोग पहुँचे, उन्होंने शाह खान साहब ने कहा कि आर्टिस्टां दा मुआशी कतल जड़ा बंद किया जाए, एक रेहड़ी फरोश जड़ा रेहड़ी ते फरूट वेचदा जड़ा एक आम बंदा उन्हूं आज़ादी है, लेकिन इत्थे आर्टिस्टां नूं आज़ादी नहीं। अलबत्ता असी इहदे इंशाला कोशिश करांगे कि असी शाहद खान साहब तो मौकफ लईए कि हकीकत की है और वह की कहना चाहते हैं और असी इंशाला फसले खुदा अपने चैनल तो उन्होंने एक इंटरव्यू करांगे, लेकिन शाहद खान साहब ने राती मीडिया ना गल करते हैं की क्या आओ सुनने हैं। जो आम लोगों के घर में पकती है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमें भी इसकी वो आज़ादी होनी चाहिए जो एक आम रेहड़ी वाला को भी आज़ादी है, एक्टरों को आज़ादी नहीं है इस मुल्क में। पहले हमारे साथ हमारा मुआशी कत्ल किया गया, 22 दिन हमारे ड्रामे बंद किए गए, हमने बड़ी मुश्किल से मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त सीएम है लाहौर उनसे और
मीर साहब से जो वजीर इत्तला है और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब नवाज साहब से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करके मैं खुद उन मीटिंगों में गया हूँ और बड़ी मुश्किल से हमने ड्रामे की इजाज़त ली। अब जब हम ड्रामा कर रहे हैं कोई वायलेशन साबित करें ना, कोई वीडियो दिखाएं गंदा गाना हुआ हो, गंदी जुगत हुई हो, हम एक वजह से ज्यादा तजावज कर गए, जब हमने ये कुछ किया ही नहीं है तो फिर ड्रामा किस लिए बन गया? पता तो नहीं मांग दिया है, तो ज्यादती है हमारे साथ। आज जी नाजरीन तुसी सुनिया कि शाहद खान साहब जिहड़े ने वह यही कह रहे हैं कि जिहड़े रेहड़ियां वाले ने उन्हां नूं भी आज़ादी है लेकिन आर्टिस्टां नूं आज़ादी नहीं, और मुआशी कतल जिहड़ा गुंडागर्दी जिहड़ी है, हुण गुंडागर्दी कौन कर रहा है और किस तरह हो रही है इहदा ते तफसील नाल बाद च ही पता चलेगा, लेकिन आर्टिस्टां दे जिहड़े नारे सन रोड दे उत्ते नारे इहो ही सन कि गुंडागर्दी बंद करो, आर्टिस्टां दा मुआशी कतल बंद करो। अच्छा, कुछ आर्टिस्टां दा कहना यह सी कि जिहड़े आर्टिस्ट मतलब आउटडोर दे जिहड़े आर्टिस्ट ने उन्हां दा कहना यह सी जी कि मतलब जदों थिएटर बंद कराण आए ने जनाब ते तीन पुलिस दे डाले जिहड़े ने उह आए ने, लेकिन असीं इह पुछणा चाहुंदे आ कि कोई इत्थे कतल हो गया, कुछ होर हो गया कि जिहड़ा तीन डाले लै के ते उह आए ने, असीं इह पुछणा चाहुंदे आ। अच्छा, लड़कियां जिहड़ियां ने, लड़कियां वी रोड ते मीडिया नूं जिहड़े अपने ड्रैस दिखा रहियां सन, क्या तुसीं ड्रैस देखो साढ़े जिहड़े ड्रैस ने कि वर्गल ने या कोई इत्थे काम गलत हो रहा है? यकीनन मेरा जिहड़ा ज़ाती ख्याल है कि जिहड़ी मकामी गौरमेंट है इंतजामिया उन ड्रामे मे बी किसी कंप्लेन की वजह तो बंद करवाए होंगे, लेकिन मैं चाहना वा कि पंजाब गौरमेंट जिहड़ी है जल्द से जल्द जिहड़ा है वो एस ओ पीज़ मुतारफ करवाए। अच्छा, सी एस ओ पीज़ के हवाले ना गल करिए ते जिहड़े लोकल आर्टिस्ट जिहड़े रोड ते आ के टायरां नूं अग चला के रोड बंद करके नारे मार के ते छोटे आर्टिस्टां ने की किया, और आओ सुनो सुनने आ। ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਯਾਰ। ਲੜਕਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ जी नाजरीन, आर्टिस्टां दा ये मौकफ सी कि असी कोई ऐसा गलत नहीं कर रहे, असी अपने बच्चों का जिहड़ा रोज़गार है वह कमा रहे हैं, सानू बच्चों का जिहड़ा रोज़गार है वह कमाण दिता जाए और मुआशी कतल जिहड़ा वह बंद किया जाए। सो ये वे के गौरमेंट ऑफ पंजाब मेरा ख्याल है कि कोशिश कर रही है कि जल्द तो जल्द जिहड़ा एस ओ पीज़ जिहड़ियां ने मुतारफ करवा दित्तियां जाण। दूसरा मैं कहांगा कि आर्टिस्ट कम्यूनिटी जिहड़ी है इन्हां नूं चाहिए कि वफद की सूरत मतलब गौरमेंट नाल या मुतलका जिहड़े अदारे ने उन्हां नाल मुशावरत की जाए, उन्हां नाल मुलाकात की जाए और अपनी जिहड़ियां मुश्किलात ने जिहड़े मसाइल ने इन्हां तों उन्हां नूं आगाही दित्ती जाए और उन्हां नाल मुशावरत करके, और मैं राय देंगा थिएटर मालकान नूं भी और मैं राय देंगा इस टाइम डायरैक्टर नूं भी और आर्टिस्टां नूं भी कि सानूं चाहिए कि अगर गौरमेंट मतलब चाह रही है कि काम जिहड़ा अच्छा होवे ते असी नो डाउट मतलब असी पाकिस्तानी हाँ, असी अच्छे तो अच्छा काम कर सकते हैं, असी परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, और जदों ये सारा कुछ नहीं सी होंदा उदों भी ड्रामे चलते सन और अगों भी चलते रहणगे और चलते रहने ने। सो ये वे कि सानू चाहिए कि असी थोड़ा जिहा मतलब यकीनन कोई ना कोई कंप्लेन होएगी, लेकिन उदे च अदारियां नूं भी चाहिए कि अगर ऐसा है वे तो जरा इनफॉर्म कर दिता जाए टाइम नाल। हुण यकीनन कल जिहड़े आर्टिस्ट सन मुआशी कतल इस तों कह रहे ने कि कल जिहड़े आर्टिस्ट सन वो अपनी अपनी उम्मीद ना आए होणगे, और जुमे वाले दिन बहुत सारे आर्टिस्टां नूं जिहड़ियां ने मैं चुके बतौर एक्टर गल कर रहा कि जुमे वाले दिन आर्टिस्टां नूं पेमेंटां मिलनियां होंदियां ने, उन्हां दियां बड़ियां उम्मीदां वबस्ता होंदियां ने और हर बंदा कोशिश करके तो जुमे नूं जिहड़ा अडीक रहा हुंदा है
कि जुमा आएगा तो जुमे वाले दिन काफ़ी सारे मसाइल जड़े ने वो मसाइल वो दाल रोटी दे होन, वो मसाइल वो पेट्रोल दे होन, वो मसाइल वो बिजली के बिल दे होन, घर के किराए दे होन, किसी हवाले नाल भी बच्चों दी फीसां दे होन, जो जो मामलात ने, लेकिन हर बंदा जुमे वाले दिन पुरउम्मीद हुंदा है। लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है कि जिहड़ा आर्टिस्टां दा इन्ना प्रैशर और इत्तेजाज सामने आया उहदी वजह यह सी कि ड्रामा जुमे वाले दिन बंद होया और जुमे वाले दिन जिहड़ियां उम्मीदां ने वो दम तोड़ गईयां। सो है वे कि मुल्क दे विच पहले ही बहुत बेरोज़गारी है, तो मैं गौरमेंट ऑफ पंजाब नूं रिक्वेस्ट करांगे दर्दमंदाना आजजाना कि जल्द तो जल्द जिहड़ियां ने SOPs जिहड़ियां ने वो मुतारफ करवाइया जाण। अगर उहदियां कोई कमेटियां बननियां ने, कोई कौंसल दी टीमां बननियां ने, जो भी बनना है उन्हों बनाया जाए ताकि जिहड़े लोग मैरिट ते काम करके अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं उन्हां नूं वो थिएटर भी चलते रहने चाहिए ने, और थिएटर तो कोई भी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन जिहड़े मैरिट ते काम कर रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल ऐसी जिहड़ी मतलब अज़ियत है उहदा सामना ना होवे। ते इहदे नाल ही मैं इजाजत चाहवांगा, इंशाल्लाह फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र होवांगा किसी नवें विलाग नाल। उदों तक इजाज़त दिओ, पाकिस्तान जिंदाबाद।